गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप सो ऑल यू आर डूइंग वेल एट योर होम. स्टूडेंट, आई वांट टू मेक यू क्लियर वन थिंग. दिस नेक्स्ट मॉड्यूल कमिंग ऑन मंडे वेनसडे आई विल सेंड यू द रिवीजन वर्कशीट. फॉर दैट आई विल नॉट सेंड एनी वीडियोस फॉर यू. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल हैव टू कंटिन्यू विद अवर टॉपिक चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. ओके, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट द अर्थ द मून एंड द प्लैनेट. यस स्टूडेंट्स, जो बेस्ट मेथड है मेजरिंग टाइम का, टाइम मेजर करने का, वो क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ मून एंड द प्लैनेट. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनसेट एंड सनराइज. स्टूडेंट, व्हेन वी वर नॉट हैविंग एनी वॉचेस क्लॉक, सो जो पुराने टाइम में लोग कैसे टाइम के बारे में टाइम को मेजर करते थे, वो सन की शेडो से मेजर करते थे. ठीक है, ऐसे ही जब हमारी जो शॉर्टेस्ट शेडो जो बनती है वो नून टाइम में होती है और लॉन्गेस्ट शेडो जो हमारी होती है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे बनती है. ओके, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिडडे और नून. यस स्टूडेंट, सी लुक एट हियर, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन. ठीक है, जब हमारे प्राइम मेरिडियन में हाईएस्ट पीक पे सन होता है तो जितनी भी प्लेसेस या जितनी भी कंट्रीज इस लॉन्गिट्यूड पर होंगी वहां सब पे क्या होगा? मिड डे और नून टाइम होगा. ठीक है, सब पे सेम टाइम होगा प्राइम मेरिडियन पे. ओके, नाउ अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड ऑफ इट. ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. So I have shown you this is a Greenwich Prime Meridian. This is a east side and this is a west side. आप सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है स्टूडेंट्स. तो जो भी कंट्रीज या जो भी प्लेसेस हमारे ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी वो कंट्रीज जो होंगी उसका टाइमिंग आगे चलता है और जो वेस्ट में होती हैं उसका टाइमिंग पीछे चलता है. मींस अगर ग्रीनविच में 12 o'clock हो रहा है, 12 o'clock और नून है, तो ईस्टर्न साइड जितनी कंट्रीज है यहाँ पर जो कंट्री होगी वो मींस 1 o'clock शो करेगी और वेस्ट में जो कंट्री होगी वो 11 o'clock शो करेगी. मींस यहाँ 12 एट नून, हेयर इट इज 11 एंड इट इज अहेड 1 o'clock. ओके, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, द अर्थ रोटेट्स 360 degrees इन अबाउट 24 hours विच मीन 15 degrees एन आर, 1 degree इन 4 minutes. ओके, हमारी जो अर्थ है वो 24 hours में 360 degrees रोटेट करती है स्टूडेंट्स. मीन्स टू से 1 hour में कितना रोटेशन हुआ? 15 degrees का, मतलब 1 hour में उसने 15 degrees कवर करा. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 degree वो 4 minutes में कवर करती है, मतलब 4 minutes में वो 1 degree रोटेट करेगी. इट मीन्स 4 into 15 करते हैं तो 15 4 से कितना हो गया? 60. 60 minutes means 1 hour. तो 1 hour में कितना उसने कवर करा? 15 degrees. और 24 hours में उसने कितना कवर करा? 360 degrees. ओके, वेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच टाइम एट 15 degrees ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 is equal to 60 minutes. Means 1 hour ahead of Greenwich time. It means 1 p.m. This I already make you clear that this is a prime meridian Greenwich. Okay? तो जो इसके eastern side countries होंगी, east side जितनी भी places होंगी वो 1 घंटा आगे होंगी. ठीक है? Is that clear to you all? और जो west में होंगी वो उसके back 1 hour back चलेंगी. ठीक है? Why do have standard time? हम सबकी countries में standard time क्यों होता है? The local time of places are different meridian are bound to different. Yes students, हमारी जो local time है places का वो हर different meridians पे different हो जाता है. Okay? In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम. अगर हम अपने ही इंडिया में देखते हैं स्टूडेंट्स टाइमिंग का डिफरेंस, तो देखो द्वारिका जो है, द्वारिका इन गुजरात वो हमारे वेस्ट में है और डिब्रूगढ़ इन असम जो है वो हमारे ईस्ट में है. इट मीन ईस्ट टू वेस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है. तो हमारा जो असम में डिब्रूगढ़ जगह है वहां 1 hour 45 minutes जो टाइम होगा वो
पहले होगा, मींस वहां 1 आवर 45 मिनट्स पहले ही सनराइज हो जाता है और सनसेट भी वहां 1 आवर 45 मिनट्स पहले हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ गुजरात। ओके, समझ में आया? मींस डिब्रूगढ़ में गुजरात द्वारिका से पहले ही हमारा जो सनराइज है वो 1 आवर 45 मिनट्स पहले हो जाता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, यू कैन लुक एट इट हियर। देखो ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट में गए तो यहाँ हमारी इंडिया आई है। इंडिया पे जो आपको मेरिडियन दिखाई दे रही है क्लास, यहाँ डिग्री दिखाई दे रही होगी आपको, इट इज 75 डिग्री। ओके, अब हमारा जो इंडिया है वो 85 डिग्री एंड हाफ पर है, मीन्स टू समवेयर इट इज 75, इट इज 90, इट विल समवेयर लाइज हियर। या आपको प्रयागराज दिखाई दे रहा है, या देयर इज अ वन सिटी मिर्जापुर नियर टू प्रयागराज, मिर्जापुर पे बिल्कुल हमारी जो लॉन्गिट्यूड है मेरिडियन है वो क्रॉस करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टाइम लोकल टाइम फिक्स होता है। ओके, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 80 डिग्री एंड हाफ ईस्ट इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो इंडिया लोकेटेड है वो 82 डिग्री एंड हाफ पर है ईस्ट में प्राइम मेरिडियन से, तो वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है GMT टाइम से। ओके, हियर वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर, अगर सपोज हमारी इन कंट्री में 12 o'clock हो रहा है तो सभी जगह वॉचेस में आपको 12 o'clock ही शो होगा, ऐसा नहीं है कहीं भी टाइम डिफरेंस शो हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इन 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। यस, लुक एट हियर, ये है देखो आप स्टूडेंट्स, जो इंडिया है वो हमारा ये प्राइम मेरिडियन है। ओके, दिस इज प्राइम मेरिडियन, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव लैटिट्यूड्स आ रहे हैं और अंडर हाफ, मीन्स 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है वो GMT टाइम से आगे चलता है इंडिया का टाइम। ओके, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। लंदन जो है आप, यू कैन सी इट एट द ग्लोब, लंदन इज हियर यूनाइटेड नेशंस, यू कैन सी लंदन। ओके, जो बिल्कुल प्राइम मेरिडियन पे लोकेटेड है, इट इज क्लियर, और इससे हम चलते हैं ईस्ट पे, हियर इट इज योर इंडिया। तो 5 आवर्स 30 मिनट्स का फर्क है, अगर यहाँ पर 7:30 हो रहा है मतलब इवनिंग के 7:30 PM है, तो लंदन में कितना हो रहा होगा उस समय, नून के 2 o'clock हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन ऑन 1 आवर ईच, ईच जोन थस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एज यू नो दैट लॉन्गिट्यूड। ओके, दैट अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर, हमारे 1 आवर में 24 जो है जोन डिवाइड किए गए हैं, ईच जोन थस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और 1 आवर में हमारी अर्थ कितना डिग्री कवर करती है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है, दैट इज 15 डिग्री। ओके, सो आई होप यू दैट योर डाउट्स वुड बी क्लियर बाय दिस वीडियो एंड यू एंजॉय दिस वीडियो ऑल्सो, हैव अ नाइस डे।